एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान से होता हुआ जा रहा था। तपती रेत से उसके पैर जल रहे थे। वो मन ही मन सोच रहा था, कितनी बेकार जगह है, ना ही यहाँ कोई हरियाली है और ना ही पानी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आखिर में उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाते हुए बोला, तू यहाँ पानी क्यों नहीं देता? अगर देता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे लगा सकता था, ये जगह भी कितनी सुंदर हो जाती और यहाँ आने जाने वाले लोग भी आराम कर सकते थे। थोड़ी देर वो आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे कि वो जवाब का इंतजार कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। उसे कुछ ही दूर में एक कुआं दिखाई पड़ता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वर्षों से वो इसी रास्ते से होता हुआ जा रहा था, लेकिन उसने अभी तक ये कुआं नहीं देखा था। वो दौड़ करके कुएं के पास जाता है। वो देखता है कि कुआं पूरा फुल था। एक बार उस आदमी ने फिर से ऊपर की तरफ देखा और शुक्रिया करने के बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पेड़ लगाने के लिए बीज बोना पड़ेगा, उसके लिए बीज की जरूरत होगी। उसने इतना कहा ही था कि उसे कुएं के किनारे बीज की एक बोरी दिखी। अब उसे कुछ घबराहट हुई और उसने बहाना बनाते हुए कहा, लेकिन ये जगह तो बहुत सूखी है, यहाँ पेड़ पौधे कैसे लगेंगे? तभी उसे एहसास होता है कि जमीन थोड़ी मुलायम हो रही है। अब वो घबरा जाता है और उसे लगता है कि ऊपर वाला कहीं उसे रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने के काम में न लगा दे। और अब वो आसमान को देखे बगैर तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। तभी एक कागज का टुकड़ा उड़ता हुआ आता है और उसके मुंह से चिपक जाता है, जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिए, बीज दिए, सूखी जमीन को मुलायम कर दिया, अब तुम्हारे पास हर वो चीज है जो इस सूखे रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए तुम्हें चाहिए थी। अब सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे जैसे आने जाने वाले लोगों के लिए तुम पेड़ पौधे लगा सकते हो। उस आदमी ने एक मिनट के लिए सोचा और पीछे पलट कर देखा। उसे दूर दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिख रहा था। अगले ही पल उसे क्या सूझा कि वो पेपर वहीं फेंक करके आगे बढ़ गया और वो रेगिस्तान कभी हरा भरा ना हो पाया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार चीजें हमारे मन मुताबिक ना होने पर हम अक्सर दूसरों को दोष देते रहते हैं और कहते हैं कि यदि ऐसा होता तो कोई भी कर देता, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि वो कोई भी हम भी तो हो सकते हैं। दोस्तों, अगर जो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।